नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाले आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं डेली करंट अफेयर क्विज से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं। दोस्तों, इस वीडियो की जो PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमारे जो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे हमारे इसकी प्लेलिस्ट है वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो चलो ये शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य में जियो टैग कम्युनिटी किचन के लिए तकनीकी दिग्गज गूगल के साथ साझेदारी किया है? तो जो है कौन सा राज्य है जिसने जियो टैग कम्युनिटी किचन के लिए जो है तकनीकी दिग्गज है गूगल के साथ साझेदारी किया है? ऑप्शन हमारे हरियाणा ने, राजस्थान ने, उत्तर प्रदेश ने या पश्चिम बंगाल ने। तो ये जो साझेदारी है ये किसने की है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है इसने राज्य में जियो टैग कम्युनिटी किचन के लिए तकनीकी दिग्गज गूगल के साथ साझेदारी की है। तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है इसने राज्य में जियो टैग कम्युनिटी किचन के लिए तकनीकी दिग्गज गूगल के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट है हमारा, फिच सॉल्यूशंस ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 4.6 से जो है घटाकर कितना कर दिया है? तो जो ये फिच सॉल्यूशंस है इसने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जो आर्थिक विकास दर है इसे 4.6 से घटाकर कितना कर दिया है? तो ऑप्शन हमारे 4.4%, 3.4%, 2.4% या 1.8%। तो कितने कर दिया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, 1.8%। तो फिच सॉल्यूशंस ने जो है वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जो आर्थिक विकास दर है ये 4.6 से घटाकर 1.8% कर दी है। तो जो फिच सॉल्यूशंस है इसने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जो आर्थिक विकास दर है इसके अनुमान को 4.6 से घटाकर 1.8 कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य सरकार ने बीमार लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श की सुविधा देने के लिए ई संजीवनी OPD सेवा शुरू की है? तो ये जो निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श की सुविधा के लिए जो है ई संजीवनी नाम से जो है पुलिस जो सेवा है ये शुरू की गई है, तो किस राज्य के द्वारा जो है शुरू की गई है? ऑप्शन हमारे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा। तो किसके द्वारा जो है ई संजीवनी ओपीडी शुरू की गई है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने जो बीमार लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श की सुविधा देने के लिए ई संजीवनी नाम की जाए OPD सेवा शुरू की है। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने बीमार लोगों को मुफ्त ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श के लिए ई संजीवनी OPD सेवा शुरू की है। नेक्स्ट है हमारा, भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष किस दिन सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है? तो भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष किस दिन सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन हमारे 29 अप्रैल को, 24 अप्रैल को, 22 अप्रैल को या 21 अप्रैल को। तो भारत सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष ये जो सिविल सेवा दिवस है ये मनाया जाता है, तो किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, 21 अप्रैल को। तो 21 अप्रैल को जो है ये सिविल सेवा दिवस भारत सरकार के द्वारा जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो भारत सरकार हर साल 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाती है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में जारी द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो जो ये द वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2020 में जो भारत की रैंकिंग ये जारी की गई है इसमें जो भारत कौन से पायदान पर है? तो ऑप्शन हमारे 142वें, 52वें, 172वें या 102वें। तो इस इंडेक्स में भारत ने किस रैंक को प्राप्त किया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, 142वें।
तो जो हाल ही में जारी द वर्ल्ड फ्रेश फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत ने 142वें स्थान को प्राप्त किया है। तो हाल ही में जारी द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत ने जो 142वें स्थान पर जो अपना जो पायदान को प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश की संसद ने हाल ही में चिकित्सा और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भांग की जो खेती है उसको वैध बनाने के लिए कानून पारित किया। तो किस देश की संसद ने ये जो है हाल ही में चिकित्सा और औद्योगिक उद्देश्य की दृष्टि से जो भांग होती है जिससे लोग जो है नशा करते हैं उसकी खेती को वैध बनाने के लिए कानून जो है लागू किया है, पारित किया है। ऑप्शन हमारे ईरान, इराक, सीरिया या लेबनान। तो किस देश की संसद ने जो है इस कानून को पारित किया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, लेबनान। तो लेबनान देश की संसद ने जो हाल ही में चिकित्सा और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भांग की जो खेती होती है उसको जा कानून उसके लिए जा कानून पारित किया है। तो लेबनान की संसद ने चिकित्सा और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भांग की खेती को वैध बनाने के लिए कानून पारित किया है। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से किसने विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैग्नस विश्व चंद्र शतरंज चैंपियंस मैग्नस कार्लसन को हराकर जो है बैटर ब्रिटिश कप 2020 जीता है? तो ये जो है किसने जीता है? ऑप्शन हमारे हिकारू नाकामुरा, डेनियल डुबोव, फेबियानो कारुआना या एलिर्जा फिरोजा। तो किसने जाए 2020 का जो कप है ये जीता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, एलिर्जा फिरोजा। तो एलिर्जा फिरोजा ने जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन को हराकर बैंटर ब्लिटेज कप 2020 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में हर साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये जो पंचायती राज दिवस है भारत में ये किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन हमारे 24 अप्रैल, 22 अप्रैल, 20 अप्रैल या 28 अप्रैल। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, 24 अप्रैल। तो भारत में जो है हर साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसकी जो शुरुआत है ये राजस्थान के जो है नागपुर जो गांव है जिला वहां से हुई थी। नेक्स्ट टाइम हमारा, हर साल दुनिया भर में मलेरिया के खिलाफ जा लड़ने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व मलेरिया दिवस ये कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन हमारे 24 अप्रैल को, 25 अप्रैल को, 26 अप्रैल को या 27 अप्रैल को। तो विश्व मलेरिया दिवस ये कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, 25 अप्रैल को। तो हर साल जो है दुनिया भर में मलेरिया के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व मलेरिया दिवस जो ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। तो विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है ताकि मलेरिया के खिलाफ लड़ने के लिए विश्व स्तर पर लोगों को जागरूक किया जा सके। नेक्स्ट हमारा, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने हाल ही में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया है। तो किसने हाल ही में भारत के जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया है? ऑप्शन हमारे एपी माहेश्वरी, राजेश रंजन, सुरजीत सिंह देसवाल या संजय कोठारी। तो किस व्यक्ति ने जो है हाल ही में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो किसने किया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, संजय कोठारी ने। तो संजय कोठारी ने जो हाल ही में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो संजय कोठारी ने भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में जो है शपथ ली है। नेक्स्ट है हमारा, क्रेडिट
रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च आई इंडिया आर ए ने FY 2020-2021 के लिए भारत की जो सकल घरेलू उत्पाद GDP इस ग्रोथ को घटाकर कितना कर दिया है, तो जो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इसके द्वारा जो है जो भारत की जो GDP है ग्रोथ उसको घटाकर कितना कर दिया गया है। ऑप्शन है हमारे 1.9%, 2.0%, 2.4% या 2.8%। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए 1.9%। तो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने जो FY 2021 के लिए भारत की जो सकल घरेलू उत्पाद है इस GDP को की ग्रोथ को घटाकर 1.9 कर दिया है। तो अपनी नवीनतम रिपोर्ट में जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने भारत की जो वित्तीय वर्ष 2021 की जो सकल घरेलू उत्पाद जो GDP है इसकी वृद्धि को घटाकर 1.9 पर ला दिया है। नेक्स्ट है हमारा, किस स्वतंत्रता सेनानी का हाल ही में निधन हो गया जिन्होंने 2005 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऐसा वो कौन सा स्वतंत्रता सेनानी है जिनका 2005 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो किन्हें जो है सम्मानित किया गया था। ऑप्शन हमारे शीतल महाजन, इंदिरा हिंदुजा, गांधीवादी हेमा भार्ली या जीव सोम मासे। तो कौन है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी गांधीवादी हेमा भराली। तो जो गांधीवादी हेमा भराली है इनको जो हाल ही में निधन हो गया इनका, और जिन्हें जो 2005 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य सरकार ने महिलाओं को घर पर रहते हुए रोजगार प्रदान करने के लिए जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की है। तो किस जो कौन सी राज्य सरकार है जिसने महिलाओं को घर पर रहते हुए रोजगार प्रदान करने के लिए जीवन शक्ति इस योजना को जो है शुरू किया है, तो किसके द्वारा जीवन शक्ति योजना शुरू किया गया है। ऑप्शन हमारे हरियाणा सरकार के द्वारा, हिमाचल प्रदेश के द्वारा, उड़ीसा के द्वारा या मध्य प्रदेश के द्वारा। तो जो ये जीवन शक्ति योजना है किसके द्वारा शुरू की गई है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को घर पर रहते हुए ही रोजगार प्रदान करने के लिए जीवन शक्ति योजना नाम से जाए योजना चलाई है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को घर पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट टाइम है, भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को कितने रुपए दिए जाने की घोषणा किया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को कितने करोड़ रुपए दिए जाने की घोषणा किया है। ऑप्शन हमारे 50,000 करोड़ रुपए, 35,000 करोड़ रुपए, 25,000 करोड़ रुपए या 15,000 करोड़ रुपए। तो कितनी जाए राशि दिए जाने की घोषणा की गई है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए 50,000 करोड़ रुपए। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है म्यूचुअल फंड कंपनियों को 50,000 करोड़ रुपए दिए जाने की घोषणा की है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड के लिए जो 50,000 करोड़ रुपए की जो विशेष तरलता सुविधा देने की घोषणा की है। नेक्स्ट टाइम हमारा, किस राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धनवंतरी नामक एक नई योजना शुरू की है। तो ये जो धनवंतरी नाम से जो योजना है ये शुरू की गई है, तो किस राज्य की सरकार ने शुरू की है। ऑप्शन हमारे कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा। तो कहाँ की सरकार ने शुरू की है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी असम। तो जो असम की सरकार है इसने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए ये धनवंतरी नाम से एक नई योजना शुरू की है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है, क्योंकि इसके जो आगे जो आने वाले जो एग्ज़ाम है इसमें आने की अधिक संभावना रहेगी।
जो धन्वंतरी नाम से जो एक योजना है ये असम सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो असम सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धन्वंतरी नाम से एक नई योजना शुरू की है। नेक्स्ट हमारा मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 2.5 से घटाकर कितना कर दिया है। तो जो मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस है इसने 2020 के लिए भारत की जो जीडीपी है इसको जो है घटाकर कितना कर दिया है। तो ऑप्शन हमारे 2.2%, 1.2%, 0.8% या 0.2%। तो कितना कर दिया है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी 0.2%। तो मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए भारत की जो जीडीपी वृद्धि है ये 2.5 से घटाकर 0.2% कर दिए हैं। तो मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 2.5 से घटाकर 0.2 कर दिया है। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जो अंत तक बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने हाल ही में भ्रष्टाचार पर निगरानी करने वाली संस्था केंद्र सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। तो ये जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ किसने ली है, ऑप्शन हमारे प्रमोद चंद्र मोदी ने, मुतोली अजीत कुमार ने, सुरेश एन पटेल ने, कृष्ण स्वामी नटराजन ने। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने भ्रष्टाचार पर निगरानी के लिए करने वाली संस्था के अंदर सतर्कता आयोग में जो है सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ लिया है, तो किसने लिया है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सुरेश एन पटेल ने। तो जो सुरेश एन पटेल है इसने भ्रष्टाचार विरोध निगरानी केंद्र या सतर्कता आयोग CVC में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से किसे अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंसेज के लिए के अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है। तो किसे जो है अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस के अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है, तो किन्हें चुना गया, ऑप्शन हमारे आदित्य पंत को, रितु करीदल को, शोभना नरसिम्हन को, रोहिणी गोडबोले को। तो ये जो अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस के अंतर्राष्ट्रीय मान्य सदस्य के रूप में किन्हें चुना गया है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी शोभना नरसिम्हन को। तो शोभना नरसिम्हन को जो है अमेरिका एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस के अंतर्राष्ट्रीय मान्य सदस्य के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है हमारा, किसानों को आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से जोड़ने के लिए जो CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित की गई ऐप का नाम क्या है। तो आपको जो है उस ऐप का नाम बताना है कि ये जो ऐप है ये क्या है। तो ऑप्शन हमारे किसान सभा ऐप, किसान सेवा ऐप, किसान साथी ऐप या किसान सुरक्षा ऐप। तो किसानों की जो आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से जोड़ने के लिए जो CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के द्वारा कौन सी ऐप को शुरू किया गया है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए किसान सभा ऐप। तो किसान सभा ऐप को जो है ये इसके साथ जोड़ा गया है। तो CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किसानों को सप्लाई चेन और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से जोड़ने के लिए किसान सभा ऐप या किसान सभा ऐप नाम से जाए ऐप को तैयार किया है। नेक्स्ट है हमारा, भारत जो किस दिन आयुष्मान भारत दिवस मनाता है। तो आयुष्मान दिवस जो है भारत किस दिन मनाता है, ऑप्शन हमारे 1 मई को, 30 अप्रैल को, 29 अप्रैल को या 28 अप्रैल को। तो भारत जो आयुष्मान भारत दिवस किस दिन मनाता है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी 30 अप्रैल को। तो भारत जो 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाता है। तो भारत 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाता है जिसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना डेटाबेस के आधार पर देश के दूरदराज के
क्षेत्रों में सस्ती चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा देना जो इसका उद्देश्य है। तो दोस्तों ये थे हमारे डेली करंट अफेयर क्विज से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें। और दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।